ऑनलाइन एजुकेशन जीवन प्रज्ञा विद्यालय। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट टू इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट चैप्टर द अल्फाबेट। एवरी लैंग्वेज हैज अ सेट ऑफ रूल्स टू गाइड अस टू स्पीक और राइट इट करेक्टली। हर भाषा में सही ढंग से बोलने और लिखने के लिए हमारा मार्गदर्शन का एक समूह है। सो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स विच हेल्प्स टू स्पीक और राइट लैंग्वेज करेक्टली। इसीलिए व्याकरण नियमों का एक समूह है जो हमें भाषाओं को सही ढंग से बोलने और लिखने में मदद करता है। एवरी लैंग्वेज इज एक्सप्रेड इन टू फ्रॉम स्पोकन एंड ब्रिटन। हर भाषा दो रूप में बोली और लिखी जाती है। प्लीज सी द पिक्चर। फर्स्ट इज अ स्पोकन एंड सेकेंड इज अ ब्रिटन। द ब्रिटन फ्रॉम ऑफ लैंग्वेज यूज सम कन्वर्जेशनल सिम्बल्स विच आर नाउन एज अ लेटर। भाषा का लिखित रूप कुछ संवाद प्रतीक का उपयोग करता है जो अक्षरों के रूप में भी जाना जाता है। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज द 26 लेटर विच आर कलेक्टिवली नाउन एज द अल्फाबेट। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर होते हैं जिन्हें हम वर्णमाला के रूप में भी जाना जाता है। फर्स्ट कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर मीन्स बड़े अक्षर एंड स्मॉल लेटर मीन्स छोटे अक्षर। These 26 letters are used in to from. इन 26 लेटरों का दो रूप में उपयोग किया जाता है। फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड सेकेंड स्मॉल लेटर। बड़े अक्षर एंड छोटे अक्षर। बोथ दिस फ्रॉम कैन बी रिटन इन प्रिंटेड फॉर्म एंड कर्सिव फॉर्म। ये दोनों फ्रॉम प्रिंटेड फॉर्म और कर्सिव फॉर्म में भी लिखे जाते कैपिटल लेटर्स मतलब प्रिंटेड फॉर्म ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सेकेंड पार्ट स्मॉल लेटर्स मतलब प्रिंटेड फॉर्म ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू V W X Y Z। कर्सिव लेटर्स मतलब कर्सिव फॉर्म A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। स्मॉल लेटर्स कर्सिव फॉर्म A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। Write down capital letters and small letter note down in your notebook। आपको कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स अपनी बुक में लिखने हैं।